कृषि कानूनों को लेकर किसान संगठनों और विपक्षी दलों का विरोध जारी है। कांग्रेस की पोल जैसे जैसे खुलती जा रही है, ठीक वैसे ही विरोध प्रदर्शनों को भी तेज किया जा रहा है। कांग्रेस के सहयोगी एनसीपी प्रमुख शरद पवार कहते हैं कि वे कृषि कानून के कुछ बातों से सहमत नहीं हैं, लेकिन विरोध प्रदर्शन पर अभी फैसला करना बाकी है। पवार ने कहा, कृषि कानून की कुछ बातों पर हम सहमत नहीं हैं, लेकिन हमें अभी इसका विरोध करना है या नहीं, इस पर फैसला लेना बाकी है। शरद पवार ने कहा, कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट जाना है या हमें विरोध प्रदर्शन का जरिया अपनाना चाहिए, अभी इस पर फैसला करना बाकी है। असल में शरद पवार कृषि कानूनों के खिलाफ खुलकर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। वजह यह है कि जब पवार यूपीए सरकार में केंद्रीय कृषि मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री थे, तब उन्होंने कहा था एपीएमसी विधेयक में किसानों के हित में संशोधन किया जा सकता है। शरद पवार ने कहा था, राज्यों को एपीएमसी में संशोधन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए वैकल्पिक साधन सुलभ हो सकें और निजी व सरकारी क्षेत्र की भूमिका बढ़ाई जा सके। उन्होंने कहा कि अधिक कृषि विकास पर एक बड़ी बाधा राज्यों का एपीएमसी अधिनियम है, जो मंडी प्रणाली के बाहर लेन देन पर प्रतिबंध करता है। एपीएमसी एक्ट में संशोधन से कृषि में निजी क्षेत्र के आने से कोल्ड स्टोरेज और प्रसंस्करण यूनिट्स को बढ़ावा मिल सकता है, लेकिन जब केंद्र सरकार ने ऐसा कानून बना दिया तो शरद पवार के सुर बदल गए। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के झूठ की पोल इस बात से भी खुल गई कि महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार ने अगस्त में ही इस पर अध्यादेश जारी कर दिया था, और अब महाराष्ट्र सरकार में शामिल कांग्रेस और एनसीपी ने बिल का खुलकर विरोध किया है। इस पूरे मामले में शिवसेना की भूमिका चित भी मेरी पट भी मेरी वाली है। 10 अगस्त 2020 को राज्य सरकार ने केंद्र द्वारा लाए गए किसान बिल के तीनों अध्यादेशों को सख्ती से लागू करने के आदेश दिए थे। पिछले महीने तक महाराष्ट्र उन शुरुआती राज्यों में था जो इस अध्यादेश को तत्काल और सख्ती से लागू करना चाहता था। दो पेज के इस ऑर्डिनेंस को 10 अगस्त 2020 के दिन मार्केटिंग के स्टेट डायरेक्टर सतीश सोनी ने सभी बाजार समितियों को सख्ती से लागू करने के लिए कहा था। कृषि कानूनों पर शिवसेना, एनसीपी ने, कांग्रेस ने अलग अलग भूमिका दिखाई। हालांकि बोलने के नाम पर तीनों ने इस बिल का विरोध ही किया है। दो दिन पहले ही महाराष्ट्र सरकार में राजस्व मंत्री और कांग्रेस नेता बालासाहेब थोराट ने ये कहा था कि महाराष्ट्र में इन कानूनों को लागू नहीं किया जाएगा। थोराट ने कहा कि संसद द्वारा पारित बिल किसान विरोधी हैं, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। महाविकास अघाड़ी भी इसका विरोध करेगी और महाराष्ट्र में इससे लागू नहीं होने देगी। शिवसेना भी हमारे साथ है, हम एक साथ बैठेंगे और एक रणनीति बनाएंगे। लेकिन अब इस नए खुलासे के बाद बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर कांग्रेस और एनसीपी इस कानून का विरोध करती है तो राज्य में पहले ही अध्यादेश कैसे जारी कर दिया गया, वो भी तब जब इन कृषि विधेयकों पर कोई विचार ही नहीं किया गया है। एनसीपी शिवसेना की सरकार के साथ गठबंधन में है, इसे देखते हुए दोनों पार्टियों का विरोध को लेकर क्या रणनीति होगी, इसे लेकर राय मशवरा चल रहा है। संसद में शिवसेना ने इस बिल का विरोध तो नहीं किया, लेकिन उसने अभी तक ये फैसला नहीं किया है कि उसे इसका विरोध करना है या अगला कदम उनका क्या होगा, ये बात भी गौर करने वाली है। शिवसेना ने लोकसभा में इस बिल का समर्थन किया था, लेकिन बाद में इसके विरोध में मुखर हो गए। शिवसेना के मुखपत्र सामना में छपा कि ये बिल कृषि प्रधान देश के लिए दुखद है, अगर हरसिमरत कौर के इस्तीफे से केंद्र सरकार जाग गई हो तो ठीक, नहीं तो इसके विरोध में सभी विपक्षी दलों को एकजुट होना पड़ेगा।